न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये पहले लिख चुके हैं हम लोग ना, कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें आपके कोर्स में फिलहाल दो ही स्टेटमेंट्स हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो बाकी स्टेटमेंट्स F3 में पढ़ेंगे, सही है? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करेंगे हम इनकम स्टेटमेंट से और फिर बैलेंस शीट बनेंगे। तो पहले इनकम स्टेटमेंट बनेगा, उसके बाद बैलेंस शीट। सर, इनकम स्टेटमेंट से बनती है ना मेरे? हाँ, ट्रायल बैलेंस से बनती है। अभी तक सर ऐसे होता है आपने सर डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस लेजर रिपोर्ट और बस यही पढ़ाया ना। लेजर रिपोर्ट वो ना इस पर स्पेशल डी बुक और ये अकाउंट। अच्छा, स्टार्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट से हमें बिजनेस के प्रॉफिट लॉस का पता चलता है। अच्छा, इन स्टेटमेंट तो अभी हम बनाएंगे कुछ देर में, प्रॉपर स्टेटमेंट तो बनाते हैं कुछ देर बाद। अच्छा, अगर आप फर्ज कर लें कि आपको अकाउंटिंग नहीं आती और आपने अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेशन हो सकती है? जो खरीदा, कितने का खरीदा, कितने का बेचा, यानी कि इनकम में से अपना एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा और अगर एक्सपेंस ज्यादा हुए तो लॉस हो जाएगा। तो इसकी एक सिंपल सी कैलकुलेशन ये हो सकती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। इनकम से ज्यादा है तो प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन से हम इतना प्रॉफिट लॉस फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो इक्वेशन हम यूज करेंगे, ये हम यूज कर सकते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस। जो चीज बेच रहे हैं पैसे आ रहे हैं, आपकी दुकान है पैसे आ रहे हैं इनकम, और जो एक्सपेंस किया आपने वो माइनस कर रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अच्छा, ये जो हम इक्वेशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग, ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर के लिए, ठीक है ना। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? जो सर्विस प्रोवाइडर की एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इनकम आ रही है और एक्सपेंसेस आपके वो तो चलते ही रहते हैं ना, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, चाय पानी सारे। अच्छा, अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड करें तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। तो एक सर्विस प्रोवाइडर में और ट्रेडिंग बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड करता है, रेवेन्यू आ जाती है और एक्सपेंसेस चलते रहते हैं ना। उसमें दो चीजें होंगी आपकी, इनकम और एक्सपेंसेस। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है? पहले आप प्रोडक्ट बाय करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो आपके पास रेवेन्यू आता है ना, ठीक है। अच्छा, तो ट्रेडिंग बिजनेस में तीन चीजें आ जाती हैं फिर। एक आपकी इनकम, प्रोडक्ट सेल करके जो पैसे आ रहे हैं इनकम हो गई। अच्छा, प्रोडक्ट आपने फिर बाय भी किए तो वो आपकी कॉस्ट हो गई, और एक्सपेंसेस तो चलते ही रहेंगे सारे, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज। तो ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पर हम कैलकुलेट करेंगे दो स्टेप्स। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फाइंड क्या करेंगे, इनकम में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। देखिए, इनकम जैसे आपके पास एक मोबाइल शॉप है, आपने एक मोबाइल सेल किया, कस्टमर को सेल किया 50,000 में, तो 50,000 हो गई आपकी इनकम। अच्छा, अब वो मोबाइल आपने बाय किया था 45,000 का, तो 45,000 क्या होगी आपकी कॉस्ट हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 50,000 में मोबाइल सेल कर रहे हैं तो 50,000 इनकम, और मोबाइल आपने बाय किया था 45,000 का, तो वो जाएगी आपकी कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनकम में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, इसका जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से
एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, यानी कि आपका रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ट्रेडिंग बिजनेस का आवाज नहीं है बैठे। तो ट्रेडिंग बिजनेस का प्रॉफिट लॉस हम फाइंड करेंगे दो स्टेप में, पहले ग्रॉस प्रॉफिट, उसके बाद नेट। अच्छा, अब हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो हम बनाएंगे ट्रेडिंग बिजनेस का, ठीक। अच्छा, अब यही जो इक्वेशन तो हमने लिखी, ये दो इक्वेशन, अगर इन्हीं इक्वेशंस को एक प्रॉपर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लें तो वो बन जाएगा आपका इनकम स्टेट। आपका इनकम स्टेटमेंट इन्हीं दो इक्वेशंस पर बेस करता है। तो तीन चीजें आएंगी आपकी, इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंस। अच्छा, ये कॉफी करते हैं। अच्छा, देखिए, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे वो हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस को देखकर, ठीक है। पहले जनरल जनरल बनता है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को देखते हुए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। अच्छा, तो अभी हमने कुछ ट्रायल बैलेंस बनाए थे ना, ठीक है। तो उसमें देखिए, ट्रायल बैलेंस में हमने इनकम रिकॉर्ड की थी सेल्स के नाम से, सेल्स आ गई। अच्छा, उसमें हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए थे, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस सारे। इसी ट्रायल बैलेंस में आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड की? नहीं, सही है। वहां पे हमने इनकम ली, सेल्स, एक्सपेंसेस लिए, रेंट, सैलरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहीं भी नहीं लिखी थी। किसी भी ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं थी। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ी है वो, पर्ची है वो, अंदर आती ना, है तो नहीं ना। हाँ, है नहीं, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें हमेशा कैलकुलेट करनी पड़ती। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमेशा कैलकुलेट होगी, ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं होती। ट्रायल बैलेंस में आपको इनकम गिवन होगी सेल्स के नाम से, एक्सपेंसेस सारे गिवन होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं, ये हमें हर बार कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक। तो पहले काम ये करते हैं, हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये किस तरह कैलकुलेट की जाती है, उसके बाद हम बनाएंगे प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट, ठीक। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन होगी स्टेप वाइज, मैं आपको समझाऊंगा, इसमें चीजें ऐड होंगी। अच्छा, सपोज कर लें ईयर वन, कि पहला साल बिजनेस का, एक न्यू बिजनेस हमने स्टार्ट किया और ईयर वन में हमने गुड्स बाय की 10,000, टोटल परचेज हमने की 10,000 की और सेल करते रहे। अच्छा, अब ईयर एंड हुआ, ईयर एंड पे हमारे पास स्टॉक बच गया 2,000, सब तय है सब। अच्छा, 20,000 की गुड्स बाय की, ईयर एंड पे स्टॉक बच गया 2,000 का, तो बाकी गुड्स कहाँ गई? सोल्ड हो गई। तो कितने की गुड्स सेल हुई? 8,000 की। तो 8,000 हो जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 8,000 की गुड्स हमने सेल की। अच्छा, वो कितने में सेल की? वो हमारी इनकम होगी, ठीक है। तो 8,000 तो हो गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। वो कितने में सेल हुई? 10,000 में, 15 में या 20 में, तो वो आपकी सेल्स होगी, इनकम हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तब इसी कैलकुलेशन को इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एट एंड, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, ये इसकी सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, अब इसी में चीजें ऐड होंगी, ठीक है। मैंने इसको सिंपल रखने के लिए वन बाय वन इसमें आइटम्स ऐड किए। अच्छा, अभी पहला साल था ईयर वन, ईयर वन के एंड पे स्टॉक कितना था? 2000 का। अच्छा, अब ईयर टू स्टार्ट होगा, ईयर टू के स्टार्ट पे कितना स्टॉक होगा? 2000। ये तो हो गया हमारे इन्वेंटरी एट स्टार्ट। अब ईयर टू में हम गुड्स बाय करेंगे, तो टोटल हमें गुड्स परचेज की 15,000। अच्छा, अब इस 15,000 की गुड्स में से कुछ गुड्स हमारी फॉल्टी निकली, डिफेक्टेड निकली, जो हमने सप्लायर को रिटर्न कर, तो परचेज रिटर्न हो गई 1,000। और इसके बाद ईयर एंड पर स्टॉक बच गया 1,500, ठीक है। तो अब कितने की गुड सेल हुई, क्या कैलकुलेशन हो गया?
स्टॉक कितना था स्टार्ट पे 2000 टोटल हमने गुड्स बाय की 15 टोटल स्टॉक हो गया 17000 1000 की गुड्स रिटर्न हो गई माइनस कर देंगे 16000 बच गए माइनस करेंगे इन्वेंटरी एट एंड 14500 की गुड्स सेल हो गई ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी 14500 इसको इक्वेशन फॉर्म में कुछ इस तरह लिखेंगे ना कि इन्वेंटरी एट स्टार्ट प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस इन्वेंटरी एट एंड तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है अच्छा इसमें भी एक आइटम और ऐड होगा अच्छा अब स्टॉक कितना था एंड पे 1500 ठीक है तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे स्टॉक कितना होगा 1500 होगा ईयर थ्री इन्वेंटरी एट स्टार्ट 1500 ईयर थ्री में हमने गुड्स परचेज की 20000 अच्छा देखिए जब हम गुड्स बाय करके लाते हैं गुड्स बाय करते हैं तो कुछ किसी गाड़ी वगैरह में लाएंगे रिक्शा टैक्सी ट्रक सुजुकी तो उस पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आएगी ठीक है अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम कैरेज भी कहते हैं ठीक है तो कैरेज इन वर्ड या ट्रांसपोर्टेशन इन का वर्ड यूज होगा अब 20000 की गुड्स बाय की जिसके लिए हमने 2000 के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की ठीक है अच्छा और इसमें से कुछ गुड्स फॉल्टी थी रिटर्न कर दी हमने और ईयर एंड पे स्टॉक बच गया 2500 ठीक है अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी अच्छा तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होगी इस तरह अब इक्वेशन बन जाएगी यार राइट अब कैलकुलेशन क्या होगी इन्वेंटरी एट स्टार्ट प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस इन्वेंटरी एट एंड तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 7.1 अब इसके हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं जी आपको इसमें कंप्लीट ट्रायल बैलेंस गिवन है ट्रायल बैलेंस को देखते हुए बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट अच्छा ये इसका फॉर्मेट होगा इनकम स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग्स आ जाएंगी कंपनी नेम इनकम स्टेटमेंट और फिर डेट आ गई फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2012 अच्छा इसमें बनेंगे दो कॉलम सब ये दो कॉलम बने हुए राइट साइड पे अच्छा ये दो कॉलम्स जो हैं ये सिर्फ दो कॉलम्स हैं ये डेबिट क्रेडिट नहीं है जिसमें जनरल जनरल में दो कॉलम बनते हैं डेबिट क्रेडिट ये डेबिट क्रेडिट नहीं है सिर्फ दो कॉलम्स हैं जिसमें हमें वर्किंग करनी है ये आउटर कॉलम हो गया और ये इनर कॉलम ठीक है अच्छा इसमें क्या होगा जो आउटर कॉलम है इसमें फाइनल आंसर आएंगे और वर्किंग हम करेंगे इनर कॉलम तो इनर कॉलम में वर्किंग होगी फाइनल आंसर्स आउटर कॉलम में लिखेंगे ठीक अभी याद रखें दो कॉलम है सिर्फ ये डेबिट क्रेडिट नहीं है ठीक है और अच्छा अभी जो इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट बेस करेगा इन दो इक्वेशंस पर इन्हीं दोनों इक्वेशंस को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लें तो वो बन जाएगा इनकम स्टेटमेंट तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इनकम अब क्वेश्चन में देखते हैं कि इनकम कितनी है और किस नाम से ये हमें यहाँ सेल्स दी थी 2,05,000 ठीक है तो सेल्स हमारी इनकम है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेल्स 2,05,000 सेल्स इनकम आ गई इसके बाद अब इनकम में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे अब यहाँ पर पहले हेडिंग डालेंगे हम लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस मींस माइनस अच्छा ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं है ठीक है अभी हमें कैलकुलेट करना होगी अब इसमें देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड कौन कौन से वैल्यूज दी हुई आपको परचेजेस नजर आ रहे हैं आपको परचेजेस है और इन्वेंटरी और आखिर में क्लोजिंग इन्वेंटरी दी हुई है इन्वेंटरी एट एंड सिर्फ दो चीजें इसमें परचेजेस और इन्वेंटरी एट एंड और कुछ भी नहीं है ठीक है
ना इसमें इन्वेंटरी स्टार्ट है ना परचेज वो कैरेज इनवर्ड है ना परचेज रिटर्न। अच्छा तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन क्या होगी, हमने इक्वेशन लिखी थी ना पहले वाली, क्या लिखेंगे आप, परचेजेस माइनस इन्वेंटरी एट एंड, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें परचेजेस कितनी है क्वेश्चन में, 1,20,800। जब भी हम वर्किंग कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे इनर कॉलम में, परचेजेस आ गई इनर कॉलम में, और इसमें से लेस करेंगे इन्वेंट्री एट एंड, तो इन्वेंट्री एट एंड कितनी है 15,600, ये माइनस करते हैं, परचेजेस माइनस इन्वेंट्री एट एंड, तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 1,05,200। अब क्या करेंगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में रखा है इसको, माइनस करना है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आ जाएगा लॉस ऑफ। ओके तब ये हमारी देखिए फर्स्ट इक्वेशन हो गई कंप्लीट, सेल्स इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा सेकंड स्टेप में क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हेडिंग आएगी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा अब एक्सपेंसेस लिखते हैं, पहला एक्सपेंस सैलरीज, होटल एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, और ये प्रीमिसेस तो आपकी बिल्डिंग है, मोटर व्हीकल आपका एसेट है, अकाउंट पे भी तो लायबिलिटी है, बाकी सब एसेट लायबिलिटीज आपके, ठीक है। तो एक्सपेंस ये सैलरी से लेकर जनरल एक्सपेंस, अब ये लिख लेते हैं एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंस, मोटर एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंसेस, ये सब हमने लिख लिया इनर कॉलम में। अब इन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे और टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लें टोटल, तो ये टोटल एक्सपेंस आ गए 63,370। क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया 31,930, और यहां पर इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। राइट आप कॉपी कर लें, नेट प्रॉफिट निकालना है।